नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूस इस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जब रिज़ल्ट जारी हो जाएगा परीक्षा के बाद और आपको मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी, आपकी रैंक पता लग जाएगी, फिर आपको क्या करना है। इस टॉपिक पे आज का डिस्कशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो आने वाले दिनों में हम आपकी अधिक से अधिक मदद कर पाएंगे बाई प्रोवाइडिंग अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम। सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको समय से पहुंचाकर आपकी बहुत हेल्प हम करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिए। साथ ही वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचे ये वीडियो और सारे लोग ये सारी चीज़ें जान पाएँ, जिससे काउंसलिंग के दौरान उनको कोई भी विशेष दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, आपको पता है आपका जो पहले आंसर की आएगी, आंसर की भी आपको पता है दो फेज़ में आएगी। पहले एक बार प्रोविजनल आएगी, उसके बाद आपकी फ़ाइनल आंसर की आएगी जब करेक्शन विंडो वगैरह क्लोज हो जाएगी। तो आंसर की आने के बाद आपके नंबर कितने, अपने नंबर पाए, आपका रिज़ल्ट पता लगेगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होएगा। जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फिर यहाँ से शुरू होता है असली काम। अब आपको करनी होती है थोड़ी सी रिसर्च, ठीक है। थोड़ी सी आप रिसर्च करते हैं कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप जितना नंबर पाए हैं CUET में लास्ट टाइम में, उतने नंबर पर किस यूनिवर्सिटी में हुआ था ये सारी चीज़। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, थोड़ा सा हेक्टिक होता है देखना, बट आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यानी ऑप्ट्यूस से यहाँ पर आपकी पूरी मदद करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिए। हम हर यूनिवर्सिटी के बारे में कि उस यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब खुल रहा है, किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के बच्चों का इसमें लास्ट ईयर हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सारी यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको हमसे जुड़े रहना है, हमारे वीडियोस को देखते रहना है। उसके बाद क्या होएगा कि आपका जो रैंक रहेगा, जो नंबर रहेगा, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपकी चांसेस है। उस यूनिवर्सिटी में आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इसलिए ये यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि आप सारी यूनिवर्सिटी में नहीं रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जिस नहीं तो आपका नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि आपको उसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है जहाँ आपको सीट मिलने की चांसेस आपकी सबसे ज़्यादा हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उस यूनिवर्सिटी की सीट की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपकी हर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे की प्रोसीजर को आप आगे बढ़ाएंगे, आगे की प्रोसीजिंग्स देखेंगे। तो ये है कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आफ्टर रिज़ल्ट आपको हर यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करनी है, जिसमें हम आपका साथ देंगे। हर यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है कि आपके नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, ये आपको पता करना है। और एक बार जब आप ये पता कर लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन हो रहा है ये आपको जानना है, और उस पोर्टल के ओपन होने पर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे काउंसलिंग में, वहाँ की सीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम जुड़े रहिए ऑप्ट्यूस से, हम आपको बताएंगे कि पोर्टल कब ओपन हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी का पोर्टल, और कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ तक की रैंक के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, किस नंबर के बच्चे को कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादातर लोग इसको जान पाएँ और हमसे जुड़े रह पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। धन्यवाद।